अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं और वहाँ कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका तजर्बा और सरमाया पाकिस्तान में अगर आप हैं या इंडिया में हैं और पहले से ही आपके पास ये मौजूद है, तो कनाडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम के ज़रिए आप अपनी सोचों को अमली जामा पहना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपने देखा कि मेरे इस चैनल पे मैंने बहुत सी आपको व्लॉग्स किए और कनाडा के इमिग्रेशन के हवाले से, तो आज भी हमारा गुफ्तगु इसी से हवाले से है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं और कुछ मदद अगर आपको दरकार है तो वो भी मैं अपनी मुहैया कर सकूं। इस प्रोग्राम के तहत कनाडा में महज कुछ महीनों में आपको पीआरशिप परमानेंट रेजिडेंट्स का स्टेटस भी मिल जाता है। इस प्रोग्राम में कामयाब होने वालों वाले अपनी फैमिलीज के महज 6 महीनों में कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में कारोबार का प्लान देने वालों की दरखास्तों को कैनेडियन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को अरसाल की जाती हैं और जिनकी मंजूरी के बाद आपका इमिग्रेशन का मरहला तय होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी कबाहत है वो है बिजनेस आइडिया, और बिजनेस आइडिया क्योंकि इस बात की निशानदेही करता है कि ये कारोबार कनाडा के लोगों के लिए कितना रोजगार मुहैया कर सकता है। इस कारोबार से जो आप वहां करना चाहते हैं कनाडा की माशियत पर क्या मुस्बत असरात मुंतज हो सकते हैं। अब हम कनाडा के बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में भी, इनकी इकसाम के बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको रोशनी डाल दूं, जिनमें एक C11 एंटरप्रेन्योरशिप वीजा है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई आला तालीम दरकार नहीं, ना ही कोई उम्र की कैद है। इसके अलावा आप अपने डिपेंडेंट जिनकी उम्रें 22 साल से कम है उनको भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए ये भी जरूरी नहीं कि वो आपका अपना बच्चा हो, बल्कि अडॉप्टेड बच्चा, इवन अडॉप्टेड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है, पोते को, नवासे को, सुतेला बच्चा हो, हत्ता के ग्रैंड चाइल्ड को भी आप साथ ले जा सकते हैं कनाडा। अलबत्ता इसमें मेन एप्लीकेंट यानी दरखास्त देने वाले की इंग्लिश को, उसको इंग्लिश जुबान में या फ्रांसीसी जुबान वो जानता हो, यानी वो उसको समझ सकता हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, बोल सकता हो। अच्छा, इसमें गैर मुल्कियों को कनाडा में कंपनी कायम करने या किसी कंपनी में सरमायाकारी करने, इस तरह वो खुद को वर्क परमिट वो हासिल कर सकता है। इस एंटरप्रेन्योरशिप जो वीजा है इसमें C11 के तहत एक ही साल में आपको पीआरशिप का स्टेटस मिल जाता है। और ये बताना भी जरूरी है कि बिजनेस प्लान में मैंडेटरी जो पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपका बिजनेस प्लान है। अगर बिजनेस प्लान नहीं है तो आप फिर ये मंजिल भी तय मरहला तय नहीं कर पाएंगे। इस एंटरप्रेन्योर वीजा C11 के हवाले से चंद ऐसी शरायत है जिसको पूरा किए बगैर इस प्रोग्राम के मुतालिक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इमिग्रेशन मिल भी सकती है कि नहीं। इसमें आपके कारोबार की अहलियत के मियार पर पूरा उतरना और उस जो प्रपोज्ड आपका कारोबार है, बिजनेस है, मजबूजा कारोबार से कनाडा की माशी, समाजी, सकाफती बुनियादों पर क्या असरात मुंतज हो सकते हैं। इसके अलावा इस कारोबार को शुरू करने के लिए कितना फंड्स आपके पास अवेलेबल है और ये अवेलेबल फंड्स होना जरूरी है। इस प्रोग्राम के तहत आपके पास मजबूत और जामिया कारोबारी मंसूबा, जिसमें तरक्की, कैनेडियंस के लिए जॉब के पैदा करने के मौके मौजूद होने जरूरी है। और ये जो मनसूबा होगा जहां आप सरमायाकारी कर रहे हो उसका कम अज कम तयन करना जरूरी है। कनाडा की कारोबारी कम्युनिटी में खप जाने के चांसेस उसमें नजर आते हों आपको। कनाडा में इस प्रोग्राम के तहत कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान की आपको हैसियत का तो इल्म है कि बैनुल अक़वामी तौर पर आपका क्या हैसियत है, आपके पासपोर्ट को कितनी इज्जत में है और किस दर्जे पर आप वहां मौजूद हैं। तो इंडिया भी आपका कंपटीटर है, नेपाल भी है, तो इवन फिर आपके अगर चले जाएं तो चाइना के बहुत से लोग वहाँ इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ जाने के लिए, तो इसलिए यहाँ कामयाबी के चांसेस कदर कम है, यानी 50% ही महज इसमें कामयाबी मिल सकती है, 50-70% कामयाबी के चांसेस हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोग्राम में सरमायाकारी की हद का तयन नहीं किया गया, किसी जगह पे जिक्र नहीं कि ये तयन इतना होगा, और जिस तरह दूसरे प्रोग्राम्स में किया जाता है जिस पर मैं अगले व्लॉग्स में भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां सबसे पहले तो देखा जाता है कि आपके पास अपने जो डिपेंडेंट है
उनके अखराजात पूरे करने के लिए भी वसाइल हैं कि नहीं। ये जो अखराजात हैं ये कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में इलाकों में ज्यादा भी हो सकते हैं उन सरकमस्टांसिस में या उन हालात में, और कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन फीस है, बिजनेस सेटअप के लिए फंड होना जरूरी है, कारोबार के लिए किराया होना चाहिए, इसके जो यूटिलिटीज बिल्स और अदर ओवरहेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए फंड्स के सबूत होना जरूरी है। उस कारोबार के लिए आपने मार्केटिंग करनी होती है, इश्तिहारी मुहिम चलानी होती है, तो उसके लिए भी फंड्स होना जरूरी है। और उस कारोबार जो भी प्रपोज आपका कारोबार है, मजबूजा कारोबार है, उसके लिए इक्विपमेंट्स और इन्वेंट्री के लिए खरीदने के लिए फंड्स का होना भी जरूरी है। और फिर उसके बाद उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में प्लान में आपने ये बताना है कितने मुलाजम आपने रखने हैं, मुलाजमों की क्या तनख्वाह है, उनके बेनिफिट्स के लिए कितने फंड्स दरकार हैं, ये भी मेंशन करना होता है। और एक सवाल जो सबसे अहम है कि आया ऐसा शख्स जिसका बिजनेस अपने मुल्क में चल रहा हो उसी C11 प्रोग्राम में एलिजिबल है, तो यकीनी है, बशर्ते आपका बिजनेस एक्सटेंशन प्लान कनाडा के लिए समाजी माशी सकाफती हवालों से मुफीद हो। अगर आपके पास कनाडा में सरमायाकारी के लिए फंड्स मौजूद है और कनाडा में बराह रास्त कारोबार आप कंट्रोल कर सकें तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी मुझसे किया जाता है कि कनाडा में कोई चलता हुआ कारोबार खरीद कर C11 प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं, तो उसका जवाब भी यस हाँ में है, क्योंकि ऐसा कारोबार जो कनाडा के माशी समाजी हवाले से फायदेमंद हो आप उसे खरीद सकते हैं। इसमें आपको कारोबार के मुकम्मल हकूक खरीदने होते हैं, 100% राइट्स आपको लेने होते हैं। इस सिलसिले में तमाम तर मुस्तनद दस्तावेज जमा कराने होती हैं। इस कारोबार की बेहतरी और तरक्की के लिए कोई मजबूत ठोस मनसूबा बंदी पेश करनी होती है, जिसके लिए कनाडा, और सबसे अहमियत की बात जिसको मैं तकरार का आदि तो नहीं हूं लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, उसमें आपको बताना होता है कनाडा में मजीद जॉब्स आपके कारोबार की वजह से पैदा होंगी। इस C11 के प्रोग्राम में जाने से पहले कुछ एहतियात मलूजे खातर रखें, जिसमें अपनी अहलियत को जांच लें, जिसमें फंड्स का होना और एक मजबूत और ठोस कारोबारी प्लान और उसके मुताबिक तमाम दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार है। इस सिलसिले में जब आप 100% मुतमईन हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, तो रिफ्यूजीज एंड सिटीजन कनाडा वेबसाइट IRCC में ऑनलाइन अकाउंट बनाएं, और इसमें IBM 1295 के तहत अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म का इंतखाब कर लें। इस फॉर्म की फीस $150 जमा करवा लें और इस फॉर्म में तमाम तर मालूमात दर्ज करें। अपने माई GC अकाउंट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज करें, और उसके कुछ वक्त के बाद आपको फिर बायोमेट्रिक के लिए मदू किया जाएगा, तो आप सेंटर में जाकर अपना बायोमेट्रिक करवाएं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका करवाएं, या आपका काम खत्म होता है, अब आप इंतजार करें, 7 महीनों से 1 साल के अरसे में आपको जवाब मिलेगा। IRCC इस सिलसिले में आपका या तो प्लान कबूल कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर लेगा। और इस सिलसिले में एक अहम बात यह भी है कि C1 वर्क परमिट बाजार कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस के हसूल की जमानत नहीं, लेकिन इस रास्ते से आपको परमानेंट रेजिडेंस का स्टेटस मिल सकता है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन के जरिए C11 आपकी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो है से मुस्तकिल सकूनत का स्टेटस मिल सकता है। क्योंकि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, और यकीनी एक सबसे अहमियत की हमल बाजी है कि बिजनेस प्लान के हवाले से बिजनेस फिजिबिलिटी में, तो कनाडा में हमारे कुछ लोगों से रबता है, तो जहां आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम आपकी डेवलप करते हैं, और उसके लिए वो ये नहीं कि घरों में बैठ कर करते हैं, उनकी पूरी उनकी वर्किंग होती है, उस पर आपको जो है आपके लिए वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट डेवलप करते हैं, और आपके लिए वो फिर सबमिट भी आपको उनके बिहाफ पे करते हैं। और अगर मुझसे आप कुछ मजीद पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333-427-5051 पर रब्ता कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं अगर इस सिलसिले में और भी चाहता तो इस विलाग में बिजनेस इमिग्रेशन की दूसरी इकसाम का भी अहाता करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विलाग में तवालत का शिकार हो चुका है, क्योंकि तो मैं इसको अगले विलाग पे छोड़ता हूँ। तो अगले विलाग पर हम इमिग्रेशन जो आपकी बिजनेस इमिग्रेशन की दूसरी किस्म पे भी जिक्र करेंगे, और वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड भी करूँगा। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले विलाग में। आमिर हाशमी को इजाज़त, वस्सलाम।